लगना हमें घर पे, हमें पहाड़ चढ़ने हैं, नदियां पार करनी है, जंगलों में घूमना है, कर लो तो तुम्हें करना है, हम नहीं बैठेंगे। कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केबी मूवीज अपडेट में। और गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अमिताभ बच्चन जी की मूवी ऊंचाई की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। गाइज ये मूवी आज बॉक्स ऑफिस पर हो चुकी है रिलीज। और अगर बात करें इस मूवी की डिटेल्स की तो गाइज ये मूवी एडवेंचर ड्रामा मूवी है और इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी के साथ अनुपम खेर, बोमन ईरानी, नीना गुप्ता और परिणीति चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं। और ये मूवी बनी है सूरज बरजत्या डायरेक्शन में। गाइज इस मूवी को प्रोड्यूस किया है राश्री प्रोडक्शन ने। तो वही इस मूवी का बजट है लगभग 40 करोड़ रुपए, यानी कि इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 45 करोड़ रुपए की कमाई करनी होगी। और इस मूवी को लगभग 1600 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। गाइज अगर बात करें इस मूवी की रिकवरी की तो इस मूवी ने रिलीज से पहले अपने सेटेलाइट राइट्स बेचे हैं 18 करोड़ रुपए में, तो वही डिजिटल राइट्स बिके हैं 13 करोड़ रुपए में और म्यूजिक राइट्स बिके हैं 5 करोड़ रुपए में। यानी कि इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 36 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली थी। और वहीं अगर बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को पब्लिक से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है। गाइज इस मूवी की जो स्टोरी है वो लोगों को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। कहीं ना कहीं इस मूवी में जो दोस्ती के ऊपर बताया गया है वो काफी अच्छा लगा है लोगों को। तो इस वजह से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भी काफी बढ़िया रहा है। ये मूवी अपने पहले दिन इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए का, तो वही इंडियन ग्रॉस कलेक्शन कर रही है लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए का और ओवरसीज में ये मूवी कमा रही है लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यानी कि इस मूवी का पहला दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आ रहा है लगभग 4 करोड़ रुपए। इसका इस पहला दिन और 4 करोड़ रुपए। और अगर इस मूवी का कलेक्शन ड्रॉप नहीं होता है तो ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट का टेक जरूर लेगी। बट अगर इस मूवी का कलेक्शन ड्रॉप हुआ तो गाइज ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर शायद हिट का टेक ना ले पाए। तो ये थी ऊंचाई मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।